हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। माय नेम इज लव कौशिक एंड यू वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल द बुक्स एंड बॉक्स। सो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ आपके पास एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंदर मैं करने वाला हूँ रिव्यू और बताने वाला हूँ आपको इस बुक के बारे में कि मुझे बुक कैसी लगी पढ़ के, जिसका नाम है 5 Feet Apart बाय रेशेल लिपिनकॉट, मिकी डॉटरी एंड टोबायस लिकोनिस। तीन राइटर्स हैं इनके, दैट्स व्हाई मुझे इनको देख के पढ़ना। तो गाइस, इस बुक का मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ और इसका मैंने अनबॉक्सिंग भी कर दी थी, लिंक पॉपअप हो रहा होगा ऊपर, आप बाद में इस वीडियो को देख लो, उसके बाद जाके अनबॉक्सिंग भी देख लेना। सबसे पहले आप नहीं भूलते हुए पहले आपको वर्ड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूँ कि आज का वर्ड ऑफ द वीडियो क्या है। सो गाइस, आज का वर्ड ऑफ द वीडियो है लूनेटिक। वैसे इसकी स्पेलिंग जो होती है LUNATIC होती है, मतलब अपन इसको प्रोनाउंस कभी कभार करते होंगे लुनेटिक, बट ये लुनेटिक नहीं होती, लूनेटिक होती है। लूनेटिक ओके। सो प्रोनाउंसिएशन भी प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वर्ड्स तो सीख जाओ पर उसको प्रोनाउंस ही गलत कर रहे हो। तो गाइस, लूनेटिक का मतलब होता है अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्टूपिड वे डूइंग क्रेजी एंड ऑफन डेंजरस थिंग्स। लूनेटिक आइडिया भी होता है, लूनेटिक लोग भी होते हैं, एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। अ लूनेटिक आइडिया। सो गाइस, अब अपन करते हैं 5 Feet Apart का रिव्यू, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैंने इसको कितने दिन में ख़त्म करा, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट करी थी गाइस, मैंने ये कुछ 4 दिन या 5 दिन पहले स्टार्ट करी थी और मैंने 5 दिन में इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ बताता हूँ जो मैंने करी है बुक पढ़ते हुए। तो मैंने इसकी जो आधी बुक है वो मैंने 4 दिन में ख़त्म करी और बाकी आधी बुक मैंने 1 दिन में ख़त्म करी। अब मैं आपको बताऊँ ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज आगे चल के स्टोरी काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो मैं उसको छोड़ नहीं पाया। मैंने सोचा क्यों ना आज ही इसको ख़त्म कर देते हैं, तो मैंने कुछ 5 दिन लिए इसको पढ़ने में, 4 दिन आधी बुक और 1 दिन आधी बुक, ऐसे पढ़ाऊँ मैं। गाइस, बुक की बात करें तो बुक में 2 मेन जो लोग हैं उनको दर्शाया गया, दिखाया गया है। 2 प्रोटैगनिस्ट हैं बुक के, तो फर्स्ट प्रोटैगनिस्ट है स्टेला जो कि लड़की है, और दूसरे प्रोटैगनिस्ट है विल जो कि लड़के हैं। गाइस, स्टोरी में कुछ ऐसा होता है, स्टोरी में एक डिजीज के बारे में बताया गया जिसका नाम है बी सेपेशिया। गाइस, एक लंग डिजीज होती है, इसके अंदर लंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर 2 लोगों को बी सेपेशिया है तो वो दोनों एक दूसरे से कम 6 फीट दूर रहना पड़ता है उन लोगों को। अगर वो दोनों एक दूसरे के पास आए तो क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है और उनमें से किसी की डेथ हो सकती है। तो अब मैं बताऊँ आपको इसमें 5 Feet Apart क्यों लिखा है, जबकि उनको 6 फीट दूर रहना चाहिए। गाइस, इसके अंदर ऐसा एक सीन आता है, जब स्टेला का एक यूट्यूब चैनल होता है, इसके अंदर बताया कि स्टेला अपने यूट्यूब चैनल होता है, वो अपने यूट्यूब चैनल पे बताती हैं कि बी सेपेशिया जिनको होता है, क्योंकि स्टेला को भी है, कि उनको कैसा फील होता है, वो कैसे कैसे डील करते हैं हर दिन, उनको कैसे रहना चाहिए जिससे वो हेल्दी रहें। तो इसलिए उनका स्टेला का एक यूट्यूब चैनल होता है जिस पर वो सब ये बताती है। स्टेला बोलती है कि बी सेपेशिया ने हम लोगों से काफ़ी कुछ छीना है, जिन जिनको बी सेपेशिया है उनको सिर्फ एक रूम में रहना होता है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटलाइज रहते हैं वो फुल्ली, उनको कहीं जाने की परमिशन नहीं होती है, ना कोई ट्रिप्स पे, ना दोस्तों से ज़्यादा मिलने की, बस कभी कभार मिलने आ सकते हो दोस्त, तो मतलब वो बिल्कुल पैक रहते हैं और काफ़ी बंद रहते हैं, वो काफ़ी लोगों से इंगेज नहीं हो पाते। तो गाइस, वो बोलती है कि बी सेपेशिया ने हमसे बहुत कुछ छीना है, सो लेट्स स्टील 1 थिंग फ्रॉम इट। एक चीज़ छीनते हैं हम बी सेपेशिया से, विच इज़ 1 फीट। सो स्टेला जो होती है, वैसे 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए, बट वो 5 फीट की दूरी रखती हैं फिर, क्योंकि वो 1 फीट उस बीमारी से चुरा लेती हैं, क्योंकि उस बीमारी ने भी उनसे बहुत कुछ चुराया। तो इसलिए इस बुक का नाम 5 Feet Apart पड़ जाता है। गाइज, स्टोरी 2 लोगों के बीच में ही घूमती रहती है, विल और स्टेला। उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई है। स्टेला जो होती है वो एक बहुत सेंसिबल लड़की होती है, जो अपने आप को काफ़ी बिजी रखना चाहती है, अपनी लाइफ में खुद को बिजी रखना चाहती है, खुद की टू डू लिस्ट कंप्लीट करना चाहती है, जो कि वो डेली बेसिस पे बनाती है, लाइक पिल्स लेना और एक्सरसाइज करना, ये सब जो टू डू लिस्ट है वो बनाती हैं। वो खुद का यूट्यूब चैनल चलाती हैं, वो खुद के जो भी मेडिसिन होती हैं उन सबको टाइम पर लेती हैं। तो वो खुद को इतना बिजी इससे रखती हैं, क्योंकि उसकी एक जो छोटी बहन होती है अभी, उसकी डेथ हो गई होती है 1 साल पहले, तो वो उसको लेकर के ज़्यादा दुखी ना हो, उसको ज़्यादा सोचे नहीं, इसलिए वो खुद को बिजी रखती है। और दूसरी तरफ विल, जो कि उसी हॉस्पिटल के अंदर होता है, ये दोनों एक ही हॉस्पिटल में होते हैं, जो उसी हॉस्पिटल में होता है अपने रूम के अंदर, जो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे पिल्स लेनी है, मुझे दवाई लेनी है, बिल्कुल मन चला टाइप होता है उसका, मन करा तो कभी दवाई ले ली, उसका मन करा तो कभी नहीं ली, वो अपने ट्रीटमेंट्स भी नहीं करता और काफ़ी वेला घूमता रहता है। तो स्टेला ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और वो विल को बोलती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने ट्रीटमेंट्स टाइम पे करोगे और अपने सारे पिल्स सब टाइम पे लोगे और खुद को
सेफ रखने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। तो विल उससे एक प्रॉमिस लेता है और उसी बदले में ये प्रॉमिस दे देता है। वो प्रॉमिस क्या लेता है वो आप बुक में पढ़ना। उन दोनों को प्यार भी हो जाता है एक दूसरे से, दैट्स वाई आप पीछे कवर पे लिखा है कैन यू लव समवन यू कैन नेवर टच। कितनी डीप बात इसके अंदर कही है। तो उन दोनों को प्यार भी होता है पर वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते, एक दूसरे को टच नहीं कर सकते बिकॉज दोनों का ही प्रॉब्लम है। इसी को लेकर के पूरी राउंड एंड राउंड घूमती रहती है स्टोरी। काफ़ी आपको अम्यूजमेंट भी मिलेंगे, काफ़ी आपको यू नो दुखी भी हो गए, आप काफ़ी शॉक भी हो जाओगे बुक को लेकर के। तो मुझे बुक काफ़ी अच्छी लगी, मैं बुरा नहीं बोलूँगा बिकॉज रियली मैं काफ़ी यू नो एक्साइटमेंट के साथ पढ़ी है मैंने बुक और काफ़ी मुझे अच्छा लगा पढ़ने के बाद बुक। गाइज इसका जो एंड होता है वो काफ़ी नॉन प्रेडिक्टेबल थिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा ठीक है अब ऐसा चल रहा है तो आई थिंक कुछ ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ और कुछ और हुआ। अब कैसा हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ो। मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता आपको कि आप पढ़ने पढ़ो और आपको सब पता हो। और इसी मूवी भी है, मैंने मूवी भी कल देख ली, मूवी भी ठीक थी पर उसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट नहीं दे रखा था जैसे कि हर मूवी में होता है। और हमेशा इसलिए मैं बुक ही पहले पढ़ना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं बुक में सारा कंटेंट देखता हूँ उसके बाद मूवी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर आपने पहले मूवी देख ली तो शायद कहीं ना कहीं बुक पढ़ने का आपको मज़ा किरकर हो जाएगा। गाइज ये जो बुक है ये आपको एक ही चीज़ सिखाती है कि इफ़ यू लव समथिंग इनफ यू हैव टू लर्न टू लेट इट गो। यही एक चीज़ है जो ये पूरी बुक आपको सिखाएगी कि अगर आप किसी चीज़ से बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आपको उसे छोड़ना सीखना होगा, क्योंकि लाइफ में काफ़ी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आती हैं और वी डोंट नो कि कब क्या हो जाए। उस चीज़ को छोड़ना नेसेसरी हो जाए जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो या जिस चीज़ के बिना आप रह नहीं सकते। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इफ़ यू लव समथिंग इनफ यू हैव टू लर्न टू लेट इट गो। सो गाइस ये तो कोई बुक की बात, मुझे बुक काफ़ी पसंद आई। अगर आप रोमांस जॉनरा के लवर हो तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी को फॉल्टनर अच्छा लगी, काफ़ी को फाइव फीट अपार्ट ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी को तो दोनों ही अच्छी नहीं लगी। गाइस इस बुक में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इस बुक के अंदर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए गए हैं, विल का भी और स्टेला का भी। लाइक अगर आप फॉल्टिना स्टार्स के पास जाओगे तो वहाँ सिर्फ एक ही प्रोटैगनिस्ट है जो कि हेजल ग्रेस है। अपन को अगस्तस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता है कि वो क्या सोचता है, वो कैसे फील करता है हेजल के बारे में, उसके दिमाग में क्या क्या यू नो सिचुएशंस के हिसाब से क्या क्या थॉट्स आते हैं अपन को ये नहीं पता। लेकिन इसके अंदर ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ पता चलेंगे इसके अंदर। गाइस पहले स्टेला का चैप्टर है, फिर विल का चैप्टर है, फिर स्टेला का चैप्टर है, फिर विल का चैप्टर है, ऐसे कर करके दोनों प्रोटैगनिस्ट के चैप्टर्स हैं और दोनों अपने हिसाब से स्टोरी को बता रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये बुक पसंद आई क्योंकि मैं इसमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ देख पाया कि उन दोनों को कैसा लगता है, कैसा फील करते हैं वो दोनों एक दूसरे के बारे में। और एज अ बॉय मैंने काफ़ी कुछ रिलेट भी किया। सो ये चीज़ मुझे दी बेस्ट लगी इस बुक के बारे में कि इस बुक में आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं दोनों कंपैरिजन के। गाइस दोनों अपने अपनी जगह बिल्कुल अच्छी बुक्स हैं। फॉल्ट इन आवर स्टार्स थोड़ी मोटी बुक है एज कम्पेयर टू फाइव फीट अपार्ट। फॉल्ट इन आवर स्टार्स थोड़ी बड़ी बुक है, इसको ख़त्म करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा था बट फाइव फीट अपार्ट जल्दी ख़त्म कर दी क्योंकि ये छोटी बुक है। और गाइस मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, शायद आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करो इस बात के लिए बट फॉल्ट इन आवर स्टार्स में कहीं ना कहीं कहीं ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ आपका इंटरेस्ट टूटने लग जाता है, बट फाइव फीट अपार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं टूटेगा, मेरा तो नहीं टूटा। तो अगर आप फाइव फीट अपार्ट पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं टूटेगा। बट एक चीज़ जो इसमें कमी है, इसमें नहीं है, वो ये है कि इसमें डीप थॉट्स, डीप मीनिंग, जो मेरी मेन वजह है रोमांटिक बुक्स पढ़ने की, डीप थॉट्स, डीप मीनिंग वर्ड्स, डीप फ्रेजेस, वो सब इसमें बहुत कमी है जो कि इसमें नहीं है। इसमें काफ़ी डीप फ्रेजेस हैं, काफ़ी सारे डीप मीनिंग्स दे रखे हैं आपको। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, मैं किसी को कंपेयर करके ये नहीं बोल सकता कि ये ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी है। दोनों पढ़ो, खुद देखो, खुद को बताओ कौन सी ज़्यादा अच्छी है। और गाइस मैंने इसका रिव्यू भी दे रखा है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का, अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक ऊपर आ गया होगा, उसको भी जाकर जरूर देखना और मुझे बताना कि आपको दोनों में से कौन सा वीडियो पसंद आया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने दोनों बुक पढ़ ली है कि आपको फाइव फीट अपार्ट ज़्यादा अच्छी लगी या फिर फॉल्ट इन आवर स्टार्स अच्छी लगी, क्योंकि मुझे जानना है आप लोगों के थॉट्स कि आपको क्या अच्छा लगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी लगी, मैं आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस यही था इस बुक का रिव्यू फाइव फीट अपार्ट, जो कि आप लोगों ने बोला था मुझे लाने के लिए, मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूँ। सो गाइस अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी करना अपने चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए तैयार रहिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। योर अनबॉक्स, बाय बाय।